आप नहीं आते, यहाँ पर आते, यहाँ पर नहीं आते, लेकिन पहले मैंने बोला चलो, इसलिए आप सबके सिवाय, इसलिए हमारी 11 इंद्रिया है। कितना इंद्रिया है, क्या क्या है? आँख, नाक, कान, मुंह, हाथ, नाभि। हाँ, ऐसे कैसे 5 ज्ञानेन्द्रिया और 5 कर्मेन्द्रिया। ज्ञानेन्द्रिया मतलब होता है जिनको द्वारा हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं, जैसे आँख है और देख रहे पता चल जाता है व्यक्ति कौन है, कान है इसे सुनते हैं, नासिका इसमें श्वास लेते हैं, जीवा कोई मीठा खट्टा चीज खाओ पता चलता है कैसे बढ़िया मीठा है, कहते ये नमकीन पता चलता है ना, इसलिए जिसको तरह हम ज्ञान आहरण करते हैं। कर्मेंद्रिया मतलब होता है जिसको तरह हम काम करते हैं, ये मिलकर कितना है 10, कितना है 10। लेकिन इनका जो राजा है ना, कहते हैं मन, ये राजा मन है, अगर मन नहीं होगा तो आप कितना कोई चीज़ का टेस्ट ले नहीं सकते हो, कोई चीज़ का स्वाद भी नहीं ले सकते, इसलिए इस सारे इंद्रियों का राजा है ये मन है, जिसको मन ठीक है ना वो सबके सब ठीक है, अगर मन अगर गड़बड़ी देखना सब कुछ गड़बड़ है, जैसे आप यहाँ पर बैठे हम कथा सुना रहे हैं लेकिन आपका मन यहाँ है, मन और कुछ चीज़ में चिंतन कर रहे हैं, जब बोलेंगे आपने क्या सुना पता नहीं, बोले क्यों अभी तो बैठे हो, हम तो और कोई चीज़ को सोच रहे थे, यहाँ रहते हुए भी और किसी चीज़ को हम याद कर रहे थे, यहाँ रहने पर भी अगर आपके मन यहाँ नहीं हो ना तब तो कथा भी नहीं सुन सकते, इसलिए मन जहाँ पर है आप वहीं पर है, इसलिए कहते मन अगर सही हो गया तो सबके सब सही हो जाएगा, इसलिए वो ग्रंथ का नाम है कहते मन शिक्षा है, कहते ये मन को जो शिक्षा देते हैं, मन को जो अच्छे अच्छे चीज़ को शिक्षा देते हैं, इसलिए कल से वो ग्रंथ को हम सुनेंगे, लेकिन जिस संतों ने वो ग्रंथों को लिखा आज हम उनको विषय पर सुनते हैं, ठीक है? कहते जिन्होंने ये ग्रंथ को लिखा उनका नाम था श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, बहुत बड़े संत थे, बहुत बड़े संत हुए हैं ये, इनका जो जन्म है ये बंगाल में जन्म हुए हैं, लेकिन एक इनके दो इनके पिताजी के दो भाई थे, लेकिन एक भाई का तो कोई संतान था नहीं, लेकिन एक का ही संतान था। अभी जो एक का संतान था उस समय में इनका इनकम कितना था, जिसके लिए उदाहरण देते हैं, जिनके घर में इंद्र के बराबर जिनके घर में ऐश्वर्य था उसी समय में उनकी साल का जो आय साल का जो इनकम थी साल का बोले 10,000 स्वर्ण मुद्रा, 10,000 स्वर्ण मुद्रा की उस समय की इनकी इनकम थी। अभी एक 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 तोला सोना का कितना कीमत है, 50,000 बोले 10,000 कितना होता है, 5 करोड़। इसलिए कहते इनकी इतने इनके घर की इनकम थी, लेकिन जब इन्होंने किसी संतों की संग उन्होंने किया है, एक जिनका नाम था श्री हरिदास ठाकुर, क्या था नाम, हरिदास ठाकुर, ये स्वयं पितामह ब्रह्मा है, हैं पिछले जन्म में जो ब्रह्मा जी थे भागवत कथा में आप सुनोगे, उनने कृष्ण के बछड़े और सखाओं को ब्रह्मा जी चुराया, प्रभु को लीला नहीं समझ पाए, वो सोच रहे थे कि कृष्ण कोई साधारण ग्वाला होगा जो सखाओं को साथ में घूमते फिरते गैया चलाते, लेकिन इनके जब पता चला ये भगवान है, हैं फिर उन्होंने भगवान के चरण में बहुत माफ़ी मांगी, लेकिन देखा ठाकुर तो माफ़ कर दिया लेकिन वो दिल से मेरे को माफ़ नहीं किया, बोले हमारी इस पाप से उधार कैसे होगा अपराध से, बोले यही कृष्ण ही कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु बन करके आए हैं, चैतन्य महाप्रभु का नाम सुने हो, कौन कौन सुने हो, सब सुने हो, कभी राधा कृष्ण दोनों मिलकर के श्री चैतन्य महाप्रभु, बोले जब चैतन्य महाप्रभु तो लीला में आएंगे वो बड़े दयालु बनेंगे, बड़े कृपालु मिलेंगे और वो किसकी अपराध को लेंगे नहीं, एक बार केवल इनके शरण में आ जाओ, इनके चरण में एक बार प्रणाम कर लो, सब पाप तो ये दूर कर देंगे, इनके अपराध हो नहीं लेंगे, इसलिए उन्होंने फिर उन्होंने कलयुग में से हरिदास ठाकुर बन करके आए और दिन में 3-3 लाख है नाम कर बचे हैं, 3-3 लाख 3-3 लाख अब पता है, कहते अगर जो 16 माला करोगे ना कितना होगा 25,000, अगर 4 बार 16 करते हो तो कितना हो जाएगा, कहते 1 लाख,
ऐसे ही वो 3 लाख हरिनाम करते थे और 1 लाख जो हरिनाम करते थे बड़े जोर जोर से, हरे कृष्णा बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। 1 लाख हरिनाम तो जोर जोर से करते थे। बोले जोर जोर से क्यों करते थे? उनका जन्म हुआ मुसलमान घर, ये जन्म हुए मुसलमान घर में, जोर जोर से हरिनाम करते थे। इनको किसी मुसलमान ने पूछा, भैया हमने सुना भजन तो मन मन में करते हैं, तुम तो चिल्ला चिल्ला कर दूसरों को जैसे सुना रहे हो, देखो हम कितना बड़ा भक्त हैं, हरे कृष्ण जोर क्यों जोर जोर से क्यों कर रहे हो? देखो वो क्या आंसर क्या देते हैं। बोले तुम ही बताओ, जैसे एक व्यक्ति इनकम करके खुद अपना पेट पालता है, एक व्यक्ति इनकम करके पूरा परिवार को खिलाता है, बताओ दोनों में बड़ी कौन है? जो परिवार को खिलाते हैं। इसलिए जो मन मन में नाम लेते हैं वो अपना कल्याण सोचते हैं। हमें जोर जोर से प्रभु का नाम लेते हैं, जैसे पशु पक्षी कीड़े मकोड़े पेड़ पौधा, ये कोई भी भगवान का नाम नहीं ले सकते। इंसान के सिवाय कोई भी ठाकुर का नाम ले ही नहीं सकते, केवल एक इंसान ही प्रभु का नाम ले सकता है। इसलिए भागवत ने बताया कि इंसान जो जीवन है इसको मुक्ति की दरवाजा बताया, तो कोई प्रभु का नाम नहीं ले सकता, इसको उधार होने का कोई चांस नहीं, मुक्ति मिलेगा तो इंसान को मिलेगा और किसको मिलेगा? क्यों? किसी जीवन में तो प्रभु का नाम ले सकते, भक्ति कर ही नहीं सकते। इसलिए भगवान के तो भैया ये जो जीवन है बड़े भाग्य से मिला है, 84 लाख जन्मों के बाद में एक बार में ठाकुर जी कृपा करके ये मानव शरीर दिए, ये मानव शरीर नहीं ये मुक्ति के दरवाजा पर खड़े हुए हो। अगर इसी जीवन पा करके तुम प्रभु की भक्ति नहीं करोगे फिर वही 84 लाख जीवन में फिर तुमको जाना पड़ेगा और पेड़ पौधा गद्दे होकर घूमने को। इसलिए ये जीवन रहते हुए क्या करो, जितने जल्दी जल्दी हो क्या करो, भगवान की भजन में लग जाओ, भगवान की भक्ति में लग जाओ। है इसलिए जब उन्होंने ये संतों की उन्होंने संग की ना, उनको पता चला भैया जीवन बड़ा दुर्लभ है, ये जीवन को वैसे नहीं बननी चाहिए, खा पी करके सो करके जीवन को नहीं बितानी चाहिए, जितने जल्दी पारो प्रभु की भक्ति में लग जानी चाहिए। जब उन्होंने संग किया ना, अब देखना जैसे संग करोगे वैसे रंग बनेगा। अगर किसी चोर को साथ में किसी दिन रहोगे तो क्या बन जाओगे? चोर। जो शराब पीते हैं किसी शराब का संग करोगे तो क्या करोगे? शराब पीना। जो जुआ खेलते हैं किस दिन करोगे तो फिर क्या बन जाओगे? जुआरी। जो गंजा पीते हैं देखना, आप जैसे संगत में बैठोगे ना देखना धीरे 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 उनका रंग भी धीरे धीरे उनका रंग भी चढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर संतों का संग करोगे तो क्या बन जाओगे? क्या बन जाओगे? संत बन जाओगे ना। इसलिए जब उन्होंने उनका संग किया, संग करते 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 धीरे धीरे उनका रंग भी धीरे धीरे चढ़ना शुरू कर दिया, फिर तो ये जीवन का महत्व उन्होंने समझे। बोले भैया ये जीवन को विषय में नहीं गंवानी चाहिए, ये जीवन को तो प्रभु के भजन में लगा देना चाहिए और प्रभु का भक्ति में लगा देनी चाहिए। फिर तो उन्होंने ऐसे भजन किया, उसने रघुनाथ दास गोस्वामी उन्होंने ऐसे प्रभु का भजन किया। लेकिन अभी वो चाह रहे हैं मैं घरवाड़ छोड़ करके मैं संत बन जाऊँ, हैं संत बन जाऊँ, क्योंकि हर जीवन तो मिलता है लेकिन प्रभु का भजन नहीं होता। विषय फल सर्वत्र से आप विषय भोग तो हर जीवन में करते हैं लेकिन प्रभु का भजन तो इस जीवन में होगा, लेकिन वो सब छोड़ करके प्रभु की भक्ति करना चाह रहे हैं। लेकिन दो भाई एक भाई का एक बेटा, एक का एक कोई बेटा है ही नहीं, ये दोनों भाई का एक समझो औलाद है। और ऐश्वर्य कितना इंद्र के बराबर बताया, इंद्र के बराबर घर में जिनके ऐश्वर्य है। लेकिन जब किसको भगवान की भक्ति की चस्का लग जाए ना, ये जगत का सारे सुख फीकी पड़ जाते हैं। जैसे मीरा का नाम सुने साधारण घर के तो लड़की थी, राज घराने की लड़की, लेकिन उसका ऊपर कृष्ण का रंग चढ़ा तो क्या हुआ? कहीं भी संत रहे वहीं पर जाकर कथा सुनते हैं, वहीं पर नाचती हैं, वहीं पर कीर्तन करती हैं, लेकिन पूरा परिवार उसका विरोध हो गई, उसका पति विरोध हो गया, उसकी ननद विरोध हो गई, उसकी सास देवर सब विरोध हो गए, लेकिन मीरा ने अपना रंग छोड़ी, मीरा ने अपना रंग छोड़ी नहीं छोड़ी है नहीं छोड़ी मीरा ने अपना रंग को, कृष्ण भजन में लगी रही। उसको मारने के लिए भी कोशिश किया, ये राज घरानी के होकर क्या तिलक लगा करके कट्टे में गली माला और क्या दिन भर प्रभु का नाम जप करके हम तो बदनामी हो रही, हमारी
बदनामी हो रही है राज घराने की। साधारण घर की कोई लड़की हो तो कोई बात नहीं, राज अगर कोई सोचेगी संतों का बीच में क्या करती है जाकर, क्या नाचती रहती है, हैं? अपना कुल का मर्यादा है, लेकिन उसको सबके सब विरोध, लास्ट उसको मारने के लिए भी कोशिश की, मर्यादा अच्छा है। इसलिए राणा ने भेजा जहर का प्याला, उसने उसको जहर भेज दिया ये मर जाए। लेकिन ये तो जब तक गिरधर लाल को ठाकुर को भोग नहीं लगा तो खाती नहीं, लेकिन उसने ठाकुर को भोग लगा दिया, बस ठाकुर का नजर पड़ते ही जहर भी अमृत बन गया, अमृत बन गया, उसने पी ली। जब देखा ये मरा ही नहीं तो क्या किया जाए, तो बस एक काम करो, उसको ठाकुर का नाम करके पेटरा में उसका सांप भर करके दे दो, जब वो खोलेगी ना बस सांप काट दे मर जाएगी। उसने पेटरा में सांप भर करके भेज दिया, लेकिन वो तो भक्ति करने वाले थे, भक्ति में कितने शक्ति है, जब उन्होंने पेटरा को खोला ना, वो साल भी सांप भी सालग्राम बन गया, सांप भी सालग्राम बन गया, भगवान बन गए ठाकुर जी, पर उसकी भक्ति में इतने शक्ति थी। इसलिए देखो दुनिया में अगर नाम हो रही, किसका नाम हो रही, मीरा की नाम हो रही कि नहीं, सारा दुनिया मीरा की लीला होता है, नाटक होता है टीवी में, आज सारा दुनिया में उसका नाम उजला हो गया, अमर हो गया उसका नाम है, हैं? इसलिए तो जिसको कृष्ण भक्ति की चस्का लग जाए ना, चढ़े ना दुजर काले कमरिया रंग को पर चढ़े ना दुजर, जिसको पर कृष्ण रंग लग गया ना, फिर तो दूसरा रंग उसको पर कोई काम नहीं करती कोई। अब देखना बहुत सारे रंग मिला, बहुत सारे रंग मिला, देखना सब अलग अलग रंग मिलेगा, लेकिन उसमें थोड़ी काला रंग मिला दो फिर क्या हो जाएगा बोलो, पूरा काला ही काला हो जाएगा, फिर और कोई रंग नहीं रहेगा, एक रंग रह जाएगा, कौन सा रंग जाएगा, श्याम रंग रह जाएगा। इसका मतलब क्या है, अगर उसकी रंग में एक बार कोई रंग लिया ना, फिर तो कोई दूसरे रंग उसके ऊपर चढ़ने वाले नहीं है, कोई रंग उसके ऊपर नहीं चढ़ेगा। अभी तो ये इनको बोलते कृष्ण रंग चढ़ गया, अभी चाहते घर छोड़ करके महा चैतन्य महाप्रभु के पास में जाए और प्रभु की भक्ति करे, लेकिन उसको क्या कर रहे हैं, उसको बार बार पकड़ करके, क्योंकि दो भाई का एक बेटा इतने ऐश्वर्य कौन भोग करके बार बार पकड़ पकड़ लाते हैं, लेकिन भाग जाते हैं बार बार। इतने में बोले एक काम कर दो, इसको शादी करा दो, है शादी करा तो घर में बहू आ जाएगी, घर तो उसकी ममता मोह है, उसने एक सुंदरी लड़की बहुत कहते पत्नी कैसे से उदाहरण देती है, अपसरी जैसे उसी घर में स्थित उदाहरण देते हैं, अपसरी स्वर्ग के जो अपसरी हम कहते ना, देखो लड़की कितने सुंदर अपसरी जैसे है, उदाहरण देते हैं, लेकिन उनको बड़ी सुंदर लड़की से शादी करा दिया, लेकिन शादी कराने पर क्या होगा, रंग तो कृष्ण रंग चढ़ा हुआ, उसके ऊपर में कृष्ण का रंग चढ़ा हुआ, लेकिन कभी बार बार चली जाए। कितने में उसका जो माँ थी ना, माँ तो ममता होती है, तो उनको पिताजी को बोले क्या कर रहे हो, ये बार बार भाग जाता है, पकड़ पकड़ ले आते, एक काम करो लोहे की जंजीर बांध दो उसको हाथ में ना, पैर में लोहे की जंजीर बांध कर घर में रख दो, ये बार बार भाग जाता है। तो उनको पिताजी कहते बाबरी जगत में दो चीज ही संसार में जीव को बांध कर रखती है, एक नंबर पैसा, दूसरे नंबर पैसा और पत्नी, दो ही चीज जगत में होता है जो जीव को संसार में बांध करके रखने वाले, ये जीवन तो श्रृंखल है, हैं? ये जिंदा श्रृंखल है, जंजीर है, अगर इसमें कोई बंध गया तो फिर कोई बाहर से नहीं निकल सकता है, इसमें बंध जाती है जगत में सबसे बड़ी ये जंजीरी, लेकिन ये जिसको बांध नहीं सका, और साधारण लोहे की जंजीर उसको क्या बांध, क्योंकि जिसको परमेश्वर चैतन्य पातुलता के रखने वाले, अगर कृष्ण प्रेम में कोई पागल हुआ ना, इसलिए कहते कोई धन दौलत के पागल है, कोई पागल है बेटा नारी के, कहते जितने सारे पागल है सब झूठे पागल है, लेकिन सच्चा पागल कौन है, जो पागल है बाके उसको पागल में एक बार कोई पागल बन जाए ना, पर तो सारे पागल वहां सामने फीकी पड़ जाते, बोले कृष्ण प्रेम वो पागल बनी है, इसको कौन रख सकता है, इसको कोई बांध कर नहीं रख सकते। फिर क्या हुआ, जो महाप्रभु के पास में गए, महाप्रभु अच्छी बात बताया, बोले देख बेटा जैसे तू बार बार भाग कर आ जाते, तेरे पिता माता बार बार ले जाते, बोले देखो तुमने अच्छी उपदेश दिया, बोले स्थिर हया घरे रहो नाहो बातु क्रमे क्रमे पाएगी भरोसे, इसका मतलब है बोले स्थिर होकर घर में रहो, रहकर सबको साथ में जैसे जैसे व्यवहार करना, वैसे सबको साथ में व्यवहार, जैसे पिता को सम्मान देना,
माँ को जैसे देना, परिवार में जैसे देना, सबको जथा युग सम्मान देकर घर में रहो, लेकिन अंदर में क्या करो, अंदर में भगवान की भक्ति अंदर में करते रहो। जब भक्ति करते 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 जब तुम्हारे हृदय में सही भक्ति जगेगी, जैसे सूरज उदय होने पर क्या होता है, अपने आप अंधकार दूर हो जाता है। जब हृदय में कृष्ण भक्ति रूपी सूरज तुम्हारे हृदय में जगेगी ना, फिर अपने आप भक्ति उदय हो जाएगी। तो ठाकुर जी सब कुछ उसी समय में सब कुछ व्यवस्था करने वाले ठाकुर जी है, हैं? इसलिए ऐसे मत करो, पागल पर मत क्या करो, बार बार आ जाओ, भाग जाओ, बार बार आ जाओ, पिताजी पकड़ करके ले आए, भाग जाओ, इसको मत करो। ये इस तरह का लोग हसाई हो जाता है, लोग हसाई हो जाती है, इसलिए स्थिर होकर रहो। कहते अंतर निष्ठा कर लोकवाज्य व्यवहार, क्या करो, बाहर का व्यवहार ठीक से रखो, सबको जैसे सम्मान देना, अंतर में ठाकुर का प्रति निष्ठा जो है वो अंदर में ठाकुर का प्रति जो प्रेम है इसको अंदर में रखा करो, हैं, अंदर में रखा करो। जब उन्होंने ये बात को समझाए तो उन्होंने घर में आए, सबको साथ में बढ़िया व्यवहार किया, लोग तो खुश हो गए, बोला हमारा बेटा अच्छा हो गया। लेकिन अंदर में प्रभु की भक्ति करते रहते थे, प्रेम करते रहते थे, भक्ति करते थे अंदर में, इधर क्या हुआ, भक्ति करते 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 सचमुच से जो ऐसी भक्ति हृदय में जो आग धधकी कृष्ण प्रेम की, एक दिन उन्होंने क्या किया, अभी को तो बहुत बड़े घर के थे, साधारण रहते थे, हैं, कहते इंद्र के बराबर तरह ऐश्वर्य, अभी पिता माता गड्ढा की पैर भाग नहीं जाए, ये भाग नहीं जाए, इसलिए चार पांच नौकर लगाते घर में, तो बहुत सारे नौकर थे, बड़े पैसा वाला थे, भले कोई पेशाब करने के लिए जाए नौकर जाए, कोई पायखाना करने के लिए जाए तभी नौकर, सोए तभी जगह रहे नौकर, भाग नहीं जाए। लेकिन एक समय क्या हुआ, उनका घर में मंदिर था कोई, लेकिन पुजारी किसी कारण से आया नहीं, अभी ठाकुर को कौन जगाएगा, बाद इन्होंने बहाना बनाए, देखो अभी कोई तो पुजारी नहीं आया, ठाकुर को जगाने के लिए मैं जाता हूँ पुजारी को बुलाने के लिए, इसको बहाना बना करके उन्होंने क्या किया भाई, उन्होंने जगन्नाथपुरी बंगाल से चल चल करके 12 दिन में बिना खाए पिए उन्होंने कहाँ पर आ गए, महाप्रभु के चरण में आ गए। आज जब महाप्रभु का चरण में आए, महाप्रभु बहुत खुश हुए, बोले देख बेटा बड़े भाग्य से किसी जीव को संसार का बंधन से मुक्ति बड़े भाग्य से मिलता है, तो बड़े भाग्यवान जो संसार का मोह माया को तुमने छोड़ करके मुक्ति करने के लिए आए। लेकिन उसको पिताजी को फिर पता चला, बच्चा भाग गया, लेकिन तो बहुत बड़े घर के चार पांच सेवक भेज दिया, बोले जाओ मेरे बेटे को खाना पीना, क्योंकि घोड़े को पीठ ऊपर बैठ के कहीं जाए तो उस समय में जैसे भी गाड़ी चलाते हैं ना, उस समय घोड़े का पीठ ऊपर बैठ दी जाए, पालकी में जाता था, कुएं से पानी भर लाते थे, खुद कभी कुएं से पानी नहीं निकाले, क्योंकि बड़े घर के नौकर चाकर लगे हुए, भले मेरे बेटा तो इतने कोमल इतने हैं इतने अच्छा, जाओ पाँच चार पाँच नौकर को भेज दिया, पैसा भेज दिया, मेरे बच्चे का कोई कष्ट नहीं होनी चाहिए, तुम लोग रोसी बना करके मेरे बच्चे को खाना खिलाना और वहाँ पर भजन करे भक्ति करे कोई बात नहीं, उसको भेज दिया। जब भेज दिया तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने क्या किया, चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रण देते थे, महाप्रभु आते थे, लेकिन महाप्रभु अंदर में प्रसन्न नहीं थे। बोले क्यों, कारण है जो भगवान की भक्ति करने के लिए आए ना, कहते उनको जो पूर्ण विश्वास है वो ठाकुर का प्रति रहता है, ठाकुर जी हमें जरूर रक्षा करेंगे, क्यों, हम उनकी शरण में आए। जब ठाकुर जी द्रौपदी को रक्षा की, जब ठाकुर जी हाथी को रक्षा की, क्या हम भक्ति कर रहे हैं ठाकुर जी हमें रक्षा नहीं करेंगे, ठाकुर क्या हम खिलाएंगे पिलाएंगे नहीं, जो चिट्ठी से लेकर के हाथी का भी चिंता नहीं करते, सारा दुनिया को खिलाने वाले कौन है, इसलिए उनका नाम चिंता हरण, जो सबका चिंता को जो हरण करते हैं, इनका नाम विश्वम्भर है, विश्वम्भर मतलब विश्व ब्रह्मांड को जो भरण पोषण करने वाले ये ठाकुर जी है। इसलिए गीता में एक श्लोक है, आज स्टोरी को सुन लो, बच्चे आज पूछना तुम्हें स्टोरी, ठीक है, मैं देखूंगा कौन बोल रहा था। इसलिए कभी गीता में एक श्लोक है, बोले अनन्न चिंतयन्त माम जे जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगाक्षयं वहाम्य, कृष्ण गीता में इसको प्रतिज्ञा करते बोले हे अर्जुन, अनन्न अनन्न मतलब एकांत रूप में मेरा जो शरण लिया, मेरे सिवाय जो किसी को नहीं जानता, दिन रात उठते बैठते केवल इसका दिमाग केवल मेरे भक्ति में जो रमा हुआ है, हैं, दिन रात, इसलिए मैं दो काम करता हूँ। बोले क्या दो काम करते, पहले घर में जो चीज नहीं हो मैं सर पर रख कर घर में स्वयं पहुंचाता हूँ, अगर घर में जो चीज हो मैं एक चौकीदार बनकर के उसको मैं रखा करता हूँ,
श्लोक कृष्ण गीता में बोले, कोई एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे, वो ब्राह्मण रोज गीता पढ़ता था, हैं गीता पढ़ता था। एक दिन गीता पढ़ते पढ़ते उन्होंने देखा ठाकुर जी ये बात को कह रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा ठाकुर कह रहे हैं अगर मेरे भक्तों घर में कुछ नहीं हो सर पर रख करके पहुंचाता हूँ, ठाकुर को रखने का क्या जरूरत है? भगवान का आनंद को विश्व ब्रह्मांड का जो मालिक है वो किसी नौकर को द्वारा तो भेज सकते हैं, ठाकुर जी को सर पर रख करके देने का क्या जरूरत है? तो उन्होंने क्या किया, जो श्लोक लिखा हुआ था ना, जोगाक्षम वहामि अहम, मैं स्वयं सर पर रख करके मैं बहन करता हूँ, उन्होंने उसको काट दिया, उसको नीचे लिख दिया ददामि अहम, मतलब मैं सर पर धोकर नहीं पहुंचाता हूँ, मैं किसी को जरा दिला देता हूँ, इसको जरा मैं दिला देता हूँ, उन्होंने काट दिया श्लोक को। लेकिन भगवत गीता किसने बोले? भगवान कृष्ण बोले, उनको बाणी और भगवान एक ही बाणी और उनमें कोई फर्क नहीं। लेकिन जो गीता को काट दिया ना वो दाग जाकर भगवान के शरीर में लगा, भगवान कृष्ण को शरीर में। लेकिन वो ब्राह्मण थे, उनका नित्य नियम था कुछ घर में जाकर के क्या करते थे, और उसमें जो मिलता था उसको रोसी करके ठाकुर को भोग लगा करके प्रसाद पाते थे। अभी उन्होंने भिक्षा करने जब गए ना कहीं उनको भिक्षा नहीं, पहले दो चार घर में जाए बस हो जाता था, लेकिन अभी घर घर में कोई को भिक्षा नहीं दे रहे, ठाकुर की माया कोई उसको नहीं दे रहा। इधर क्या हुआ, कृष्ण भगवान कृष्ण और उनका बड़े भाई श्री बलराम प्रभु, ये दोनों ने एक दो टोकरी में दाल चावल चीनी है और उसमें जितने घर की जितना जरूरत तेल मसाला घी घर के जितने खाने पीने के लिए जितने सारे सामान ना दोनों भैया दो टोकरी में भर करके और इनके घर में पहुंचे। दरवाजा खटखटाया, घर में ब्राह्मणी थी ब्राह्मणी आई और देखा दो सुंदर बालक, दोनों कौन थे? कृष्ण बलराम ठाकुर स्वयं थे। देख करके इतने सुंदर, बोले बच्चों कहाँ से आए हो? बोले आपका ब्राह्मण जी हम दोनों भैया हाथों में इस सारे सामान, बोले इतना सामान कभी तो मैंने देखा नहीं, तो बहुत दिन तक चलेगा, कभी तो उतने कोई भेजे नहीं, वो तो दो चार घर से भिक्षा लेकर आते थे, लेकिन जो लाए तो एक महीना महीना के लिए एक महीना के लिए लाए हो। भले हमको दोनों को भैया को भेज दिए, इसको घर में रखो। लेकिन वो गीता काट दिए थे ना, गीता स्वयं भगवान की वाणी भगवान है, वो गीता जब काट दिए तो जो लाई नहीं है देखा उनकी छाती के ऊपर में एक लाल दाग बड़ा हुआ। बोले बेटा ये क्या है? बोले आपका जो पति अर्जुन मिश्रा, उनका नाम था अर्जुन मिश्रा, बोले उसने हमारा सर पर इतना बोझा ढो दिया और हम ढो नहीं पाए इसलिए हमको मारे। मतलब कृष्ण ये बताना चाहते हैं तुम्हारे जो पति को मेरे पर विश्वास नहीं है, शायद मैं अपना भक्तों का मैं भरण पोषण नहीं करता नहीं खिलाता, उनको विश्वास नहीं, गीता काट दिया मतलब उसने मेरे को काट दिया, गीता और मेरे में कोई फर्क नहीं एक ही है, इसलिए मानो मेरे को उसने काट दिया है। बोले वो तो इतने निर्दया नहीं, वो तो बड़े दयाल बड़े कृपाल। ठीक है बच्चों बच्चों दोनों बैठो, तुम्हारे लिए थोड़ी सी नाश्ता बना देता हूँ, थोड़ा भोजन करके जाना। अभी वो भोजन करने के लिए ठाकुर कहीं अंदर जाना हो गए, भगवान थे। थोड़ी देर बाद में अर्जुन मिश्रा है खाली हाथ में, कुछ भी क्या नहीं। जब उन्होंने आए आते ही पत्नी तो अंदर से बिगड़ते हुए आई, आकर के उनको डांटने लगे। बोले आप तो इतने निर्दया निर्दयालु थे ही नहीं, आप तो बड़े दयालु, दोनों बच्चों को अपने मारा क्यों? बच्चे बोले कि अपना नाम बताओ, मेरा नाम कलुआ इसका नाम बलुआ, कृष्ण बलराम थे ना, बोले मेरा नाम कलुआ इसका नाम बलुआ, हम दो भाई गौर रंग के और एक एक काले रंग के, आप उनका सर पर इतने सारे बोझा दे दिया धो नहीं पाए उसको मारे और इतना सारे भेज दिया हैं, तो एक महीना तो भिक्षा करने का जरूरत नहीं है। बोले भैया तू क्या बोल रहे हो, आज तक हमें कोई भिक्षा दिया ही नहीं, हम तो घर घर में आज भटकते रहे, कोई आज भिक्षा दिया नहीं, पता नहीं क्या हुआ। बोले भिक्षा दिया नहीं मतलब इतने सारे सामान भेज दिया। बोले चलो जा कर के देखते हैं, दोनों नहीं गए। फिर उनको याद आया, मुझे कौन कनुआ बलुआ क्या बात इतने सारे सामान। फिर उनको याद आया, अरे मैं गीता पढ़ते पढ़ते मैंने ठाकुर जो बताए जो हर समय मेरे चिंतन भजन पूजा पाठ में रहते हैं, मैं सर पर स्वयं रख करके घर में पहुंचाता हूँ, ये ठाकुर जी ये बात बताए और मैंने इसको काट दिया था, इसलिए ठाकुर जी ऐसे माया चलाई हमें किसने भिक्षा नहीं किया, और ठाकुर खुद आकर घर में दे कर गए और गीता जो काट दिया ना भगवान की छाती के ऊपर लाल तक पड़ा हुआ, मतलब मैं भगवान को मारा।
अपना पत्नी को चरण में गिर पड़ी तो कितने भाग्यवती वो, और कोई नहीं तो श्री छलिया थे, वो श्री कृष्ण बलराम थे। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय है। वो भगवान थे, फिर तो फिर उन्होंने किताब का श्लोक को फिर बना करके फिर भगवान का फिर श्लोक को दो बार उन्होंने लिखे। देखो भगवान कहते हैं, इसलिए जो भगवान ऊपर विश्वास करता है और सचमुच से उनको एकांत के रूप में उनको भजन करता है ना, भक्ति करता है ठाकुर जी उनके लिए सब कुछ, ठाकुर जी सब कुछ करते हैं, इसलिए भक्तों का विश्वास। लेकिन भगवान हमें भरण पोषण करेंगे हम छोड़ करके आए, फिर वो सोच रहे हैं फिर ये जो मेरे पिताजी इतने लोग भेज दिए, इतने सोना चांदी भेज दिए मेरे को खिला पिला इधर ठीक नहीं। तब उन्होंने बोले भैया जा तुम लोग चले जाओ घर में वापस चल गए। लेकिन अभी अपना पेट कैसे पालेंगे, वहाँ पर जगन्नाथपुरी गए हो, जगन्नाथपुरी गए कोई नहीं गए, अब एक बार हम ले जाएंगे चलोगे रथ यात्रा में ले जाएंगे। जगन्नाथ जी जब रथ यात्रा होगा ना वहाँ नियम है रथ को भर में एक बार कोई ठाकुर को दर्शन कर ले कहते उसको फिर जगत को पुनर्जन्म नहीं होता, बड़ा महत्व रथ यात्रा में उनको तैयारी करना। अगली रथ यात्रा में वहाँ पर हमारा मंदिर है खूब आनंद लोगे, समुद्र किनारे में मंदिर है समुद्र में खूब नहाना और वहाँ पर दर्शन करना और खूब घूमना वहाँ पर, और इतने बढ़िया बढ़िया ठाकुर जिंदगी में कहीं नहीं देखो। ये जगन्नाथ जी तो है वहाँ पर सारा दुनिया में देखो ठाकुर जी खड़े हुए, लेकिन वहाँ पर देखोगे एक ठाकुर बैठे थे जैसे पद्मासन अगर बैठते हैं ना, कहते उनका जो भक्त था ठाकुर बड़े लंबे चौड़े थे, जब उनका उम्र ज़्यादा हो गया और विरह में उनकी सेवा नहीं कर पा रहे थे, बोले प्रभु आप तो कितने लंबे चौड़े हो, आपको मैं ठीक से सेवा नहीं कर पा रहा, आप किसी दूसरे सेवक को ढूंढो। वो स्वयं राधा जी हैं, तब उन्होंने बोले मैं कहाँ सेवक को ढूंढूँ, कोई चिंता मत करो तुम सवेरा आगरे देखना मैं बैठा गया हूँ। जब दूसरे दिन आए ना तो ठाकुर जी बैठे, जब एक ही ठाकुर देखोगे जो कृष्ण वहाँ बैठे हुए थे बड़े सुंदर ठाकुर जी हैं, वहाँ पर ठाकुर जी साखी गोपाल देखोगे, ये साखी गोपाल का नाम कथा सुनाएंगे। साखी गोपाल साखी देने के लिए वृंदावन से चलते 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 पूरी चले गए, इसलिए उनका नाम साखी गोपाल पड़ गया। आज हम शाम को ये सब कथा सुनाएंगे हैं, वहाँ पर जाओगे भगवान राम ने जब उनकी जब उनको दंडकारण्य में उनको वनवास हो गया, वो आश्रम में जहाँ रहते थे वहाँ पर गैया थे है ऋषि मुनि की गैया, और भगवान राम लक्ष्मण सीता बैठे हुए थे, इतने में आंधी तूफान आ गया तो गैया इधर उधर भाग रहे थे तो इतने में सीता जी ने पूछा प्रभु जी भगवान राम बैठे करके मुस्कुरा रहे थे, बोले प्रभु जी आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं, बोले नहीं कोई बात नहीं, बोले नहीं ऐसे थोड़ी मुस्कुराओगे जरूर मन में कुछ भावना आएगा तब तो मुस्कुराओगे ना, तो बोले देखो अभी मैं रामावतार में आया हूँ, दूसरे जब द्वापर युग में आऊँगा मैं कृष्ण अवतार में आऊँगा, और उसी समय में मेरे पिताजी का नल लाग गया होंगे नंद बाबा का मैं पिता में फिर आऊँगा ग्वाला घर में जन्म लूँगा है उनके घर में आऊँगा मैं नल लाग गैया चराऊँगा, और उसी समय में कि रामावतार में तो तुम एक पत्नी हो लेकिन उसी समय तो मैं जो रास पर रचाऊँगा 100 करोड़ गोपियों के साथ प्रयास रचाऊँगा, फिर जब मैं द्वारका जाऊँगा ना 16108 पटरानी मेरी होएगी, बोले इतना शादी करोगे, बोले हाँ इतने मेरी पत्नी होएगी, इसलिए मेरे ग्वाल बाल दाम वसुदाम सुधाम मधुमंगल मेरे सखा लोग होएंगी हैं, इसलिए मैंने कंस को पछाड़ लूँगा चरणों मुष्टि को मारूंगा कितने कितने लीला करूँगा। इतने में सीता ने बोले प्रभु आप जब द्वापर युग में आओगे आपका रूप कैसे होगा, आप कैसे देखने में होंगे, आप फिर मेरे को दिखाओगे आप रूप कैसे होगा, बोले ठीक है तेरे को मैं 7 दिन बाद में दिखाऊंगा। एक गुफा थी वो गुफा के अंदर में ठाकुर जी गए और जो अपने तीर था ना वो तीर से एक पत्थर के ऊपर में तीर में उन्होंने कृष्ण लीला वर्णन किया, कृष्ण के ग्वाल बाल सखा गोपियाँ चारणों पुष्टि को कैसे मार रहे हैं है? और कृष्ण कैसे कृष्ण मूर्ति कैसे होगा, बड़ी सुंदर भगवान राम ने अपना तीर से वो कृष्ण मूर्ति बनाया, ये मूर्ति जिंदगी में कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि ठाकुर ने ठाकुर जी को बनाया, ठाकुर ने सब जगह में तो देखोगे कोई भक्त ने बनाया कोई ठाकुर प्रकट हुए, लेकिन ये भगवान को बनाया ये मूर्ति कहीं नहीं बनती, लेकिन वहाँ जा सकते चलोगे वहाँ और चलेगा, इसलिए अगली बार सब तैयार रहना और अभी से थोड़ी थोड़ी पैसा जमा करो कर दे, अभी थोड़ी थोड़ी पैसा जमा कर दे, पैसे भी हमको क्या चिंता है।
इसलिए इन्होंने क्या किया, बोले ठाकुर जी को पर विश्वास करनी चाहिए, पर अभी भोजन कैसे करेंगे। जगन्नाथपुरी वो क्या करते थे, कभी तो जगन्नाथपुरी जाओगे एक आनंद बाजार जहाँ पर भगवान की प्रसाद दाल चावल सब्जी वहाँ बिकता है। जैसे यहाँ पर बथुरा दी से है ना कल प्रसाद वहाँ से लाए थे ना, इसलिए वहाँ पर प्रसाद बड़े बड़े स्वाद प्रसाद है। दाल पतला नहीं, गाढ़ी दाल है, मीठी दाल है, डालमा बनती है, और मालपुआ है, लड्डू है, और मीठा चावल है, चाटनी खट्टा इतने तो मेरे को नहीं देते हो हैं। महाप्रभु भी जिनसे छीन छीन करके महाप्रभु ही खाया करते थे, इसलिए बड़ी जीवन अद्भुत इनकी जीवन चरित्र। एक बार किया हुआ, फिर उन्होंने आए कहाँ पर, वृंदावन में उनको भेज दिया। अब वृंदावन में राधा कुंड श्याम कुंड में रहकर भजन करते थे। कहाँ रहते गए हो कभी, देखे कि नहीं राधा कुंड श्याम, तब कह रही है इतना ही वृंदावन तक गए नहीं आप लोग, लेकिन गिरिराज परिक्रमा नहीं लगाई। हाँ, उसमें राधा कुंड श्याम कुंड, वहाँ पर राधा कुंड श्याम कुंड है, इसलिए वो वहीं पर रहते थे। और राधा कुंड श्याम कुंड को बीच में वो बैठ करके जब भजन करते थे, जब भजन करते थे धूप में बैठ कर थी, राधा रानी स्वयं अपना चुंदरी से उनको पीछे खड़े होकर के छाया करते थे। ऐसे भजन करते थे, राधा रानी स्वयं उनको ऊपर में छाया करती थी और बैठ करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कभी कभी उनको पास में बाघ भी आकर के पानी पीता था, लेकिन उनको पता नहीं चलता था कब ये लीला होती है, कब लीला होती थी। इसलिए उनको सनातन गोस्वामी हैं, उनका जो ऊपर से गोस्वामी थे, उन्होंने बोले रघुनाथ तो जब धूप में बैठ कर के भजन करते हो, मैंने देखा स्वयं राधा रानी आकर के तेरे सर के ऊपर में सुंदर से छाया करके खड़ी रहती है, और हमने देखा तेरे पास में दो शेर को पानी पीते हुए देखा। ऐसे मत रहा करो, तुम्हारे लिए एक छोटी सी कुटिया बना देता हूँ। तो उनने पत्ते भूस पास दे करके एक छोटी छोटी सी कुटिया बना दिए, जिस कुटिया को नीचे बैठ कर उसमें रह करके वो भगवान की भजन करते थे, ये संत भजन करते थे। इसलिए वहीं पर उन्होंने बैठ करके जितने सारे ग्रंथों को उन्होंने रचना किया, उन्हीं ग्रंथ में एक ग्रंथ है जिनका नाम मन शिक्षा है। ये मन को शिक्षा दे रहे, क्या शिक्षा दे रहे, मन तो क्यों उल्टा पुल्टा चीज में क्यों भटक रहा है, गंदी गंदी चीज में क्यों भटक रहा है। अगर ये मन को दे तो ये मन को मनमोहन को दे, ये मन को मनमोहन कर दे। इसलिए चिंतन नहीं करना, चिंता करना, क्या करना, चिंतन करो, चिंता नहीं चिंतन करो। चिंता मतलब दुनिया की चिंता, इसको छोड़ दो है। कोई कोई कहते ना मन को चैन नहीं मिलता है, मन बड़ा अशांति है, मन इधर उधर भटकता है, मन कहीं लगती नहीं, हम दुखी है। कहते भैया इसलिए चिंता मत करो, क्या करो, ठाकुर जी की चिंतन करो। जब तुम उनका चिंतन करोगे ना, ठाकुर जी तुम्हारी चिंता करने लग जाए। क्यों, तो उनका चिंता कर रहे हो, ठाकुर का कर्तव्य है। जब तुम उनकी भक्ति उनका चिंता करोगे, ठाकुर जी तुम्हारी भी चिंता करने लग जाए। इसलिए उन्होंने ये ग्रंथों को लिखा, मन शिक्षा ग्रंथ है। कल हम लोग की ग्रंथ को सुनेंगे, वो ग्रंथ में कुछ उनने श्लोक लिखा है, है? वो ग्रंथ में कुछ श्लोक लिखा है। रोज रोज एक एक श्लोक को, जब तक हम यहाँ रहेंगे कोशिश करेंगे रोज रोज एक एक दो दो श्लोकों को उसको सुनने के लिए। उस श्लोक में हमें क्या उपदेश दे रहे हैं, ये मन को कैसे समझा रहे हैं, गंदी चीज को छोड़ो और भगवान के चरण में अपना मन को लगाओ, तभी तुम्हारा मन को शांति परम आनंद की भक्ति से ही मिलेगा। ठीक है, बोले से वृंदावन बिहारी लाल की बच्चा कृपा।